साहब, ये लोग इरफान चकना का आदमी है, इनसे चांदनी का सुराग मिल सकता है। कब से जानते हो तुम इरफान चिकना को? साहब, इरफान चिकना को हम बहुत दिनों से जानते हैं। कैसा आदमी है वो? बहुत तंदुरुस्त आदमी है साहब, बहुत ऊंचा आदमी है, बहुत ऊंचा बिजनेस है साहब। मैं पूछ रहा हूँ कैसा आदमी है वो, शरीफ या मवाली? बहुत शरीफ आदमी है साहब। शरीफ आदमी है, उसकी शराफत के कुछ गुण बता सकते हो? शराफत को तो साहब भंडारा है भंडारा। उसकी तो हर शाम गुजरती है मैं खाने में, अच्छे अच्छों को उतार लेते हैं पैमाने में। मैखाना मतलब बियर बार है ना? जी साहब। हाँ साहब, उस बियर बार का नाम क्या है? मयूरा बार साहब। मयूरा बार, मयूरा, मयूरा बार। वाह सोनिया वाह, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। आगे तेरा जिस्म, आगे जवानी, लगता है ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया तुझे। ये रूप और ये जवानी का क्या करूं? मैंने सोचा था बार में काम करके खूब कमाऊंगी, लेकिन यहाँ जो भी आता है कड़का आता है, 1500 रुपए देकर मेरी जिस्म खरीदने की कोशिश करता है। अरे तकदीर ने तुझे मुझसे मिला दिया है, यूं समझो कि तुम्हारा तकदीर खुलने वाला है। मैं तुझे ऐसी जगह काम पर लगवा दूंगा जहां तू रोज 10 से 15 हजार तक कमा पाओगे। हाँ सच? हाँ भला ऐसा भी क्या काम है? मेरे पहचान के एक बानो मैडम है, ब्यूटी पार्लर चलाती है, तुझे वहां काम पर लगा दूंगा। अरे माला माल हो जाएगी तू। सच? बिल्कुल सच। लेकिन ब्यूटी पार्लर में काम करने की क्या इतनी तनख्वाह मिलती है? यही तो राज की बात है, मानो बहुत ऊंची चीज है क्या? वहाँ पे बड़े बड़े सेठ लोग आते हैं मसाज करवाने के लिए, 10 से 15 हजार रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। हाँ क्या? हाँ। इससे पहले भी तुमने क्या वहाँ किसी और लड़की को काम पर लगाया है? हाँ बिल्कुल लगाया, टीना, मीना, मनीषा, चांदनी। अरे पागल हो गई क्या तुम? हट जाओ सोनिया, इसे मैं देखता हूँ। सर मैं इससे ज्यादा चांदनी के बारे में कुछ नहीं जानता, ईमान से बोलता हूँ, कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में। एक बार फिर से सोच ले इरफान चिकना, एक बार फिर से सोच ले, और सब सच बता, चांदनी कहाँ? मैंने एक बार उसको बानो का पता दिया था, उसने उसको काम पर रख लिया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता साहब, सही बोलता हूँ साहब, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। बेटा मैं बता दे, रुको, लगता है सचमुच इरफान चांदनी के बारे में कुछ नहीं जानता। सोनिया तुम कुछ नहीं जानती, ये लौटों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। बता, अभी भी बताओ। इरफान तुम सच बता दो, तुम्हारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम मुझे बानो तक पहुंचा दो। बता, मैं तैयार हूँ साहब, बानो का पता बताने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए साहब। हाँ बता, तो जल्दी बता। बताता हूँ साहब। इरफान ऐसे नहीं, पहले तुम उसे फोन करो, बानो से तुम ठीक उसी तरह से बात करो जैसे दूसरी लड़कियों को भेजने से पहले तुम किया करते थे। चल जल्दी कर, जल्दी कर।
हेलो हेलो बानो, मैं इरफान चिकना बोल रहा हूँ। एक लड़की को भेजता है तेरे पास, सोनिया नाम है उसका, काम पे रख लेना उसको। हाँ ठीक है, ओके, बोल दिया साहब। अच्छा किया, गुड। हाँ सोनिया बैठो, इरफान ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। मैडम मैं नौकरी की तलाश में हूँ, मुझे इस वक्त नौकरी की सख्त जरूरत है। तुम हमारे साथ काम करोगी? अरे क्यों नहीं करूँगी मैडम, अगर अच्छी तनख्वाह मिले तो जरूर करूँगी। 15,000 रुपए ठीक रहेंगे? 15,000 क्यों, कम है? अरे नहीं मैडम, इतने रुपए मिले तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये लो 10,000 रुपए, कल से काम पर आ जाना। थैंक यू इरफान, तुमने मुझे सही रास्ता दिखा दिया है। चलो अच्छा हुआ कि तुमने ब्यूटी पार्लर की नौकरी ज्वाइन कर। वैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ ब्यूटी पार्लर की आड़ में कोई अवैध धंधा चलता है। हाँ पार्लर में मुझे नौकरी तो मिल गई, लेकिन मैडम का विश्वास जीतना है, तभी वो मुझे अपना हमराज बनाएंगी। ठीक है सोनिया, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो, लेकिन हाँ वहाँ काम करते हुए ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करो। और तुम मुझे फोन करने की बिल्कुल कोशिश मत करना, मैं तुम्हें खुद ही फोन कर लूंगा। अच्छा ये बताओ, इरफान चिकना ने कुछ बताया? नहीं कुछ नहीं, वो एक ही रट लगाए बैठा है कि उसे उससे ज्यादा कुछ पता नहीं। जब तक हम लोग ये केस सॉल्व नहीं कर लेते तब तक इरफान चिकने का हमारे अंडर में रहना बहुत जरूरी है। उसकी फिक्र तुम बिल्कुल मत करो, मैंने उसे ऐसी जगह रखा है जहाँ से उसे सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ। ठीक है विजय, मैं चलती हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। मजा आ गया बा, आजा आजा। कैसा लग रहा है? अरे क्या मजा आ रहा है, ट्रक पर फिरा ना। अच्छा क्या बाबा पैसा वसूल, बहुत मजा आ रहा है, क्या मस्त मजा। पहली बार आई हूँ यहाँ? पहली बार आ रहे लो, मगर बहुत मजा आ रहे लो। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत मस्त लग रहे है बाबा, बहुत अच्छा लग रहा है अपने को। तो आप सुकून पाने के लिए यहाँ आते हैं? और क्या। नीचे कर दो मसाज जैसा तुमको ठीक लगे। अब उनका क्या है? अब उनकी तो लाइफ बन गई, मजा आ गया। अब अपन रोज आएगा इधर। चला कुछ भी करना पड़े इधर जरूर आएगा। बहुत मस्त लग रहा है कसम से, लगता है अपना काम बहुत जल्दी बन जाएगा।
हेलो हाँ करियन्ना बोलता हूँ। हाँ बोलो करियन्ना सेठ, कैसे याद किया? बानो, चार दिन बाद एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। मेरी अरब से एक पार्टी आने वाली है, उनकी खिदमत के लिए। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गई। आप बेफिक्र रहिए, इस बार ऐसी चीज भेजूंगी कि आप दंग रह जाएंगे। ऐसा कौन सा पटाखा हाथ लग गया है? है एक लड़की सेठ, अभी अभी धंधे में लगी है, बिंदास लड़की है, तबीयत खुश हो जाएगी सेठ आपकी। हाँ लेकिन उसको जरा समझा कर भेजना, कहीं पिछली बार की तरह। धीरे बोलो सेठ, इस तरह की बातें फोन पे करना ठीक नहीं है, कोई सुन लेगा तो। तो ठीक है, तेरा काम है तू देख, मेरा काम आम खाने का है, पेड़ गिनना तेरा काम। ठीक है सेठ, आपका सामान आपके पास पहुंच जाएगा, फोन रखती हूं। ठीक है। Thank you.